हेलो एंड वेलकम गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं एनएम टाइगर मौर्य और आप देख रहे हैं एनकेएम 47 ब्लॉग। और दोस्तों, आपको पीछे देखकर तो समझ में आ ही गया होगा कि मैं एक बार फिर से लेकर आ गया हूं आपके सामने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का वर्क अपडेट। और दोस्तों, ये हमारा वर्क अपडेट काफी लेट आया है। क्यों आया है ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि अभी सावन का महीना चल रहा था और इस रोड को पूरा बंद कर दिया गया था कांवड़ियों के लिए, स्पेशल कि कांवड़ियों के लिए चालू था, बाकी और किसी के लिए भी ये रोड चालू नहीं था। उसके लिए बहुत अच्छे से इंतजाम किया गया था, तो यहाँ पर किसी तरह का कोई काम चल नहीं रहा था, ना कोई आ रहा था ना कोई जा रहा था, सिर्फ और सिर्फ कांवड़ियों के लिए ही ये रोड चालू था। और ये रोड, ये जो हमारा एक्सप्रेसवे का काम चल रहा है, ये भी इसी के बीच में आता है, आप देख सकते हैं, तो इसीलिए ये बंद था और अब फिर से स्टार्ट हो गया है। तो मैं आपको आज यहाँ दिखाने वाला हूँ कि क्या काम हो चुका था और क्या काम बाकी है, तो वीडियो पर बने रहना दोस्तों। दोस्तों, यहाँ पर काम बहुत ज़्यादा हो चुका है, आप देख सकते हैं, ये जो लास्ट वाली आपको बाउंड्री दिख रही होगी वहाँ से स्टार्ट होगा ये फ्लाईओवर। और ये फ्लाईओवर दोस्तों वहाँ से स्टार्ट होकर आप देखेंगे कि ऐसे ये धीरे धीरे ऊपर बढ़ते जा रहा है, ये आप देखेंगे धीरे धीरे ऊपर बढ़ते जा रहा है। जो आप कभी किसी फ्लाईओवर पर चढ़ते होंगे तो ऐसे ही नीचे से स्लॉप सा बना होता है, स्लॉप से आप ऊपर चढ़ते हैं। आप वहाँ तक देखेंगे कि जहाँ मेरी अभी बाइक खड़ी है वहाँ तक काफ़ी काम हो चुका है और उसके आगे भी सारी बाउंड्री एक बराबर में है, तो उस बाउंड्री को भी और ऊँचा किया जाएगा। पर आप सामने देख सकते हैं कि कांवड़ियों के लिए पांडाल भी लगा हुआ है, कांवड़िया शिविर आप देख सकते हैं, और वो इसी के बीच में लगा हुआ है। और आप अभी इसमें रोड पर भी काफ़ी कांवड़िया देखेंगे कि अभी भी डाक कांवड़ जो है वो अभी भी जा रही है, जो काफ़ी डाक कांवड़ लेट हो चुकी हैं वो अभी जा रही हैं। और दोस्तों, ये है यहाँ पे कुछ कांवड़िया में आए हुए छोटे छोटे भोले, या ऐसा हो सकता है कि यहाँ के लोकल बच्चे हों। और यहाँ पर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का जो काम चल रहा था इसमें भी गड्ढा है, इस गड्ढे में बारिश का पानी जमा हुआ है, इसमें मजे ले रहे हैं। और आगे आप देख सकते हैं कि ये कांवड़ियों के लिए, उनकी सुविधाओं के लिए शिविर लगा है, ये उसकी पार्किंग है। और ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये किनारे किनारे रोड लगी हुई है, आप देखेंगे ये रोड लगी हुई है, इसके ऊपर ये बोतलें टंगी हुई हैं, इसमें जल है, गंगा जल। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर एक बार गंगा जल वहाँ से उठा लिया जाता है हरिद्वार से, तो उसे ज़मीन पर नहीं रखा जाता है, फिर वो मंदिर पर पहुँच कर ही भोले बाबा पर अर्पण होता है गंगा जल। और ये कांवड़ियों का शिविर है दोस्तों, यहाँ पर हर तरह की सुविधाएं उनको मिलती हैं। ये शिविर अभी लगा हुआ है आली गांव के पुल के पास जैतपुर में, और मैंने अभी आपको बताया था कि रोड बंद कर दिया गया था। ये देखिए, आप सामने बैरियर लगाया हुआ है, आगे भी बैरियर लगाया, ऐसा आपको एक खादर गाँव में भी बैरियर देखने को मिल जाएगा, फिर मीठापुर में भी मिल जाएगा। दोस्तों, हम पहुँच चुके हैं मीठापुर के पास, मीठापुर का जो फ्लाईओवर का काम हो रहा है, आप देख सकते हैं कि उधर छोटे छोटे दो पिलर बन गए, आगे ये भी सारे पिलर तैयार हो गए, अभी एक पिलर रह रहा है लेफ्ट में, वो बनना बाकी है। और आगे चल के देखेंगे आप दोस्तों कि ये पिलर एकदम से बन चुके हैं, बस इसके ऊपर अब जो जेट से है इसका फ्लाईओवर के ऊपर की परत पड़ना बाकी है। अभी मैं आपको इन पिलरों के पास ले जाके दिखाता हूँ, पास से ये पिलर कैसे दिख रहे हैं और वहाँ पे कितना काम हो चुका है। और अभी मैं आपको इससे शिविर जो आपको सामने नज़र आ रहा है उसके भी पार लेके जाने वाला हूँ। उसके पार, जैसे ही मीठापुर हम पार करके उस साइड पल्ला की साइड बढ़ते हैं, तो वहाँ पर क्या काम हो चुका है मैं वो भी दिखाने वाला हूँ आपको, तो वीडियो पर बने रहना दोस्तों। ये अब हम आ गए हैं मीठापुर के पार, और मैंने जैसा कि बताया था कि अभी भी कोई डाक कांवड़ रह जा रही है, तो वो भी जा रही है अभी, तो मैं ये दिखा दे रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ आगे कि इस साइड कितना काम हो चुका है। आप देखेंगे कि इस साइड भी पिलर का जो ये आपका स्ट्रक्चर है ये तैयार कर लिया गया है, और एक वो जो है उसमें पूरा बन भी चुका है। आप देखेंगे ये जो फ्रेम नज़र आ रहे हैं आपको, मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको लेफ्ट में, ये देखिए, ये जो फ्रेम नज़र आ रहे हैं, इन फ्रेमों को इन सरिया के बाहर लगा दिया जाता है, फिर इसके अंदर कंक्रीट भर दी जाती है।